हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरमान सर 2020। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का है और काफ़ी बहुत बार यानी एग्ज़ाम में पूछे जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज टू यूकेल एल्गोरिथमिक टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है और छोटा कौन सा है, कि ना जो बड़ा होता है उसको ना छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आप, जैसे 12576 ग्रेटर देन 452। ठीक है, यूजिंग यूकेल्स लेमा। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो ए क्या होता है हमारा, जैसे 4052 डिवाइड बाय 12576। ठीक है, तो ये 4052 है और ये 12576 है, तो तीन बार में कर लो आप, तीन बार में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 5 15 और 3 2 3 4 12। ठीक है, माइनस कर दो आप, ये 0, ये 2 और ये 4, ये हो जाएगा आपको 420। ठीक, 420 को फिर ऐसे कर लो आप, ये डिवाइड किस में करना है, 420 हो गया, 420 किसको डिवाइड करेगा, इसको 4052 को, तो 4052 लिखो। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 9 बार में चेक कर लो, 9 अगर लिखते हैं तो 900 9 2 18 का 8, 9 4 36 और 37, माइनस कर लो आप, 2 50 मिनट सेट गया, 7 9 7 2 बचा ये। ठीक है ना, फिर 272 आ गया, 272 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 420 में, 420 लिखो, ये एक बार में आएगा 272, माइनस करो, 10 2 गया 8, ये हो जाएगा 11 7 4 1, ये हो जाएगा 148 का कुछ 272 से करो फिर, तो ये 1 टाइम्स में आएगा 148, ये हो जाएगा आपको 12 में गया 4, 6 में 4 गया 2, ये हो जाएगा आपको 124, 148 से करो। ठीक है, एक बार में करो, ये हो जाएगा आपको 124, ये हो जाएगा 42, 124 में करो फिर 5 से, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4, 4 से करो फिर 24 में 6, 24। ठीक है, अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे हम, अब देखो इसको जैसे हम डिवाइड किया हमने, सिर्फ इतने को चेक करो, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 12576, बी क्या है 4052, क्यू क्या है 3 और R क्या है 420। तो इसके हिसाब से लिखो आप,
एक जगह कितना लिखेंगे, वन टू फाइव सेवन सिक्स इजक्वल टू बी क्यू, बी कितना हमारा 452 इंटू क्यू, क्यू क्या हमारा 3 है प्लस आर, आर क्या रिमाइंडर 420। देखो रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर ये प्रोसेस आगे जा रहा है, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप में आओ आप, दूसरा स्टेप हमारा ये है। दूसरा स्टेप में क्या किया हमने, 420 से 452 को डिवाइड किया 9 टाइम्स में, तो इसके हिसाब से ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4052 इक्वल टू, ए तो हो गया 452, बी क्या हो जाएगा 420 और क्यू क्या हो जाएगा 9 और रिमाइंडर क्या बचेगा 272। देखो रिमाइंडर क्या है 272 है, जीरो नहीं है, मतलब ये प्रोसेस आ गया, ठीक है ना। अब इसको उतार लो, तीसरा स्टेप ये हो जाएगा, फिर 270 एक वैल्यू कितना 420, 420 यहाँ लिखो इक्वल टू 420 कैसे लिखेंगे हम, 272 इंटू वन, 272 इंटू वन प्लस रिमाइंडर कितना बचा 148, रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं है, ठीक है। इस पे आओ, अब क्या करना है 148 से डिवाइड करना, किसको एक वैल्यू कितना है 272, इसको लिखो यहाँ पे 272 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 148 इंटू वन, 148 इंटू वन यहाँ पे 148 इंटू वन, 148 इंटू वन प्लस रिमाइंडर क्या बचा आपका 124, रिमाइंडर अब भी क्या है जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस वाले स्टेप पे आएंगे, फिर हमारा एक वाली कितना हो जाएगा 148, तो 148 यहाँ लिखो क्या हो जाएगा, इसको लिखो 124 इंटू वन, 124 इंटू वन प्लस रिमाइंडर कितना है 24, रिमाइंडर कितना हो गया 24, जीरो नहीं है, ये प्रोसेस यहाँ आएगा। अब कितना हो जाएगा 124 यहाँ हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 24 इंटू फाइव से करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, देखो रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है ये। अब फिर 24 को यहाँ लिखो किससे करेंगे 4 से, 4 इंटू सिक्स ये क्या होगा आपको प्लस जीरो, तो जहाँ जीरो आता है ना स्टॉप कर दो, बिल्कुल प्रोसेस को क्या करो स्टॉप कर दो और हमारा क्या हो जाएगा एस सी एफ जो होता है वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एस सी एफ क्या होता है, ये बी की वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये एस सी एफ 4 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं कि ना, प्री बोर्ड में हो, हाफ ईयरली में हो, फाइनल में हो, ठीक है। तो सबसे ये है एक्चुअली, मैं इस पर करना क्या चाहूँगा, ये हमारा रफ है, रफ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ। पहले इसको क्या करना, आप इसको रफ कर लेना, इन सारी चीज़ों को रफ कर लेना, सबको रफ कर लेना, ठीक है ना, सबको रफ कर लेना। इस चीज़ को यहाँ बैठा देना, यूक्लिड लेमा से इसको बैठा देना आप, ठीक है, यूक्लिड लेमा से बैठा देना बिल्कुल। देखो एक लॉजिक भी है, ये चीज़ यहाँ आ जा रहा है बार बार, ये यहाँ आ जा रहा है, 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 ठीक है ना। अब लास्ट में जब जीरो आ जाएगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।